पूरा क्या है मामला पूरा? ये 12 तारीख की घटना है। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी में काम करने वाला एक वर्कर था और वो करीब शाम को 6:45 के लगभग की बात है अपना डंपर से मिट्टी निकलवा रहा था। उसी बीच में एक व्यक्ति आता है और उसको एक लिफाफा दे के चला जाता है और उसका नंबर मांगता है कि आपका नंबर क्या है। जो दिलीप बिल्डकॉन में काम करने वाला व्यक्ति, उसका नाम केशवकांत तिवारी था, उससे उसका सन का नंबर मांगता है और कहता है कि अपने कंपनी पे जाकर ये लेटर दे देना और कल तक ये पैसे की व्यवस्था हो जानी चाहिए 1 करोड़ की। उसके बाद केशवकांत तिवारी जो है वो उस लिफाफे को ले जाकर अपने जो कंपनी है रोड निर्माण वाली कंपनी, उसके सुपरवाइज़र और जो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह से फिर उसके पास फ़ोन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पूर्व में ही बता चुका होता कि मैं कल सुबह 9 बजे आपको कॉल करूँगा, जो नंबर उसने लेके गया था इस व्यक्ति का। सुबह 9 बजे फ़ोन ना आते हुए 10 बजे से फिर उसके पास फ़ोन आना शुरू हुआ। जो नंबर आया उसमें फिर तकनीकी सहायता और ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो हमारे सोर्सेज रहते हैं उसके आधार पे हमारे, चूँकि जैसे ही घटना की सूचना मिली हमारी 4-5 टीमें इसमें एक्टिव हो गई। SDOP बरघाट के नेतृत्व में हमने फिर ये पूरा ऑपरेशन करवाया जिसमें 4 टीमें थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्रवाई की गई और अंततः उस व्यक्ति तक हमारी पहुँच होके कल उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद खुलासा हुआ कि वो व्यक्ति नक्सली नहीं है, चूँकि उसको पैसों की आवश्यकता थी इसलिए उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी कि किसी भी प्रकार से मुझे वो पैसे मिल जाए। सर, किसी से संगठन से कोई इसका तार जुड़ा है? इसका कोई तार नहीं जुड़ा है जो हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया है तकनीकी रूप से और भी जो हमारे रिसोर्सेस रहते हैं उस आधार पर। सर, जानकारी लगी कि ये पहले पुलिस विभाग में भी SF वगैरह में रहा है? वो चूंकि छत्तीसगढ़ पूछताछ में ये इसने बताया था कि मैं BSF में पहले वाहन चालक के पद पर पदस्थ था, किंतु जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई कि वास्तव में कहाँ रहे हो, किस बटालियन में थे, क्या थे, तो फिर वो कहने लगा कि मैं BSF में भर्ती होना चाहता हूँ, अभी भर्ती नहीं हुआ हूँ। तो कुल मिला के वो गुमराह करने का प्रयास कर रहा।